आज तो आपके हाथ का खाना खाने को मिल जाएगा हमको। क्या है ये? नाम सुनकर ही सर घूम जाएगा तुम्हारा। ये गुआकामोली विद नाचोस। कौन? मंगल को अपने ऑफिस में देखते ही ना भाई, यहाँ पर आदित्य के तो होश उड़ जाते हैं। अब सौम्या का चेहरा ही उतर जाता है और हम देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर मंगल की एंट्री हो रही है। रेनकोट वेनकोट पहन के आई, क्योंकि बारिश हो रही है ना, अपनी सास के संग वो एंट्री करती है और यहाँ सारे लोग ताली बजा रहे हैं। और उसके बाद इंट्रोड्यूस कराते हैं कि भाई ये मंगल है और यहाँ पर ये करेगी आज का जजमेंट। मतलब मूली नहीं मंगल, गुआकामोली। तुम बोलने की कोशिश करो ना। गुआकामोली नाम में क्या रखा है सौम्या जी? आज तो बात स्वाद की है। स्वाद ही तो सब कुछ होता है, फिर क्या मूली क्या छोले क्या फर्क पड़ता है। जिस तरीके का यहाँ पर कुकिंग कंपटीशन होने वाला है ना, हमने देखा है ना यहाँ पर कुकिंग कंपटीशन हो रहा है जिसमें बिना गैस के लोगों को खाना बनाना है। अब भाई पहले तो आदित्य ने भाई किस तरीके से धमकी वगैरह दी भी थी ना मंगल को कि तुम्हें कुछ नहीं पता है और तुम खाना बनाना भी नहीं जानती हो, तुम्हें ये भी नहीं पता है कि किस खाने का क्या नाम होता है, तुम इंग्लिश भी नहीं बोलना जानती हो, तो तुम मेरे ऑफिस में आके क्या करोगी। बिल्कुल सही कहा आपने अम्मा, हाथ कंगन को अर्थी क्या चख लेते हैं। लेकिन उसको थोड़ा ना पता था कि भी मंगल आ जाएगी और वो भी जज बन के आएगी और यहाँ पर उसके तो होश ही उड़े हुए। और वहीं हम देख रहे हैं कि सौम्या उसकी आरती वगैरह भी उतारती है और यहाँ भाई बहुत अच्छा दिन है, आज बड़ा दिन है क्योंकि आदित्य को मिलने वाला है बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड। और यहाँ पर आदित्य को बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड मिलता है और इतने में जो उसके बॉस होते हैं ना मंगल को भी बुला लेते हैं। मंगल ज्यादा 30 मार्क का बनने की जरूरत नहीं है, सौम्या के विश सबसे अलग है, उसे ही जिताना। इशाना को पढ़ाती है, मेरी हेल्प करती है, एहसान चुकाने का मौका है, समझी? चलो फाइनल राउंड भी ओवर हो गया। मंगल को भी अवार्ड देते हैं क्योंकि उनका कहना यह है कि एक आदमी की सक्सेस के पीछे ना एक औरत का हाथ होता है और यहाँ पर मंगल का हाथ है और यहाँ पर मंगल को भी अवार्ड मिल रहा है और वो अवार्ड ना आदित्य से दिलवाया जाता है। अब ये सारी चीजें देखकर ना भाई सौम्या तो इतनी जल रही है कि कुछ कहने की हद नहीं है और सौम्या ना अपने मन ही मन सोच रही है कि अब मंगल से वो किस तरीके से अपना बदला लेगी। वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि भाई जो गायत्री है ना वो बहुत गुस्सा कर रही है बुआ के ऊपर, जो कार्तिक की बुआ है, और उसको घर से बाहर भी निकाल देती है। और यहाँ पर जो बुआ है ना वो पूरा खुलासा कर देती है गायत्री का, वो कहती है कि भाई ये लक्ष्मी को बिल्कुल पसंद नहीं करती है, यहाँ पर लक्ष्मी को लो स्टैंडर्ड समझती है। और लेकिन कार्तिक यह मानने को तैयार नहीं और कार्तिक कहता है अगर वो छोटे घर की है और उसके पास अगर पैसा नहीं है तो उसका मतलब ये थोड़ा ना होता है कि वो बेकार है, वो मतलब उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ये तो गलत चीज़ है ना यहाँ पर। और लेकिन यहाँ पर जो गायत्री है ना वो अपनी बात रख रही है और बोल रही है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, यही मुझे भड़काती रहती है लक्ष्मी के खिलाफ और बोलती रहती है कि लक्ष्मी हमारे स्टैंडर्ड की नहीं है और लक्ष्मी देखो किस तरीके से कार्तिक को अपनी तरफ कर रही है और मैं तो कुछ बोलती नहीं हूँ। और यहाँ पर इस तरह की बहस चल रही है कि भाई वो जो गायत्री है उसको बाहर निकाल देती है बुआ को, लेकिन यहाँ लक्ष्मी और कार्तिक मिलकर ना बुआ को रोक लेते हैं और दोबारा से ये सब लोग साथ में अच्छी तरह रहने लगते हैं।